हेलो एवरीवन, आज हम जो दो वैकेंसी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट इसको आप ये बोल सकते हो जस्ट लाइक परमानेंट वैकेंसी है। यहां से आपको कोई निकालेगा नहीं। आपका अगर मन करे तो आप छोड़ करके जा सकते हो, अदरवाइज ये जस्ट लाइक परमानेंट वैकेंसी आप लोगों के लिए है। पहली वैकेंसी अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन की तरफ से, ये एक संस्था के द्वारा जो है चलाया जाने वाला स्कूल है जो अलग अलग स्टेट में है। हर स्टेट में यहाँ पर जो है आप लोग बोल सकते हो कि इनके स्कूल है, लेकिन अभी वैकेंसी जो है 4 स्टेट से आई हुई है, तो आपको वो देखना है आपके अकॉर्डिंग है या नहीं। वो सारी चीजें बहुत अच्छी वैकेंसी है, मैं आपको बता दूं, जस्ट लाइक परमानेंट वैकेंसी है। सेकेंड आप लोग की जो वैकेंसी है दिल्ली NCR से है, फरीदाबाद का है, जो कि रेसिडेंशियल स्कूल है। वहां पर आप लोगों को खाने से लेकर क्वार्टर सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, तो वो भी वैकेंसी आप लोगों के लिए परमानेंट टाइप ही है। तो अगर आप लोग इन दोनों वैकेंसी में जो है अप्लाई करना चाहते हो, थोड़ा सा प्रिपरेशन के साथ जाना, मैं ये आपको सजेशन दूंगी। क्योंकि अगर यहाँ पे आपकी नौकरी हो गई तो फिर आपको गवर्नमेंट या फिर बाकी और चीजों को उतना देखने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि फैसिलिटीज के साथ साथ आप लोगों का डेवलपमेंट भी होगा एंड एक जो रिलैक्सेशन होता है ना दिमाग में कि हाँ ठीक है अभी हमें नौकरी मिल चुकी है, वैसा टाइप का भी रहेगा। तो ये दोनों जॉब के लिए आप लोग बिल्कुल देख सकते हो। अगर आपने BEd, DLed, NTT मतलब टीचिंग से रिलेटेड कोई कोर्स किया है तो बिल्कुल देख सकते हैं। CTET और STET इसमें कंपलसरी नहीं है। अगर आपने क्रैक कर लिया है तो जरूर डाल देना, लेकिन अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें भी मैं आपको एक सजेशन दूंगी, अगर आपने कहीं पर ट्यूशन पढ़ाया है, कहीं पर किसी स्कूल में पढ़ाया है, तो एक्सपीरियंस लगा देना। ट्यूशन भी अगर आप घर में पढ़ा रहे हो तो भी एज ए एक्सपीरियंस लगाना, क्योंकि आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा 1 साल 2 साल के एक्सपीरियंस को कंसीडर किया जाता है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अदरवाइज फ्रेशर भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी अच्छी खासी आपको मिलने वाली है, इस पर भी बात करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम आपको डिटेल में बताएंगे। कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी है इस पर भी हम बात करने वाले हैं, और साथ साथ में आपको अप्लाई कैसे करना है ये सारी चीजें जो है आपको बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर हम लोग जब भी वैकेंसी का कोई भी अपडेट दे, इमीडिएट आप तक इंफॉर्मेशन चली जाए, इसके लिए बेल आइकन जो है क्लिक करना बहुत जरूरी है। देखिए ये है वैकेंसी, ये दोनों स्कूल में जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं दोनों में सेम आपको वैकेंसी, यानी कि PGT के ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, TGT के लिए ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, PRT के लिए ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। इसके अलावा अब रेसिडेंशियल स्कूल है तो डॉक्टर और बाकी जो वैकेंसीज रहती है वो भी है। अभी यहां से मैं आपको बता दूं, PGT में आप लोग सब जानते हो कि इसमें मास्टर डिग्री और BEd चाहिए होता है, ये कंपल्सरी रखना। इतना नॉलेज तो आप लोग को भी पता है कि भाई PGT में जाएंगे तो मास्टर और BEd होगा, TGT में जाओगे तो आप लोगों का जो है ग्रेजुएशन और BEd चाहिए होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस BEd ये चाहिए होगा TGT में। CTET अगर क्रैक किया है तो डाल देना, अदरवाइज CTET तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। PRT है तो BEd या DLed अगर आपने किया है तो बिल्कुल आप यहाँ पे चले जाइए, और प्लस आप लोगों का जो है 12th या ग्रेजुएशन इसमें मांगेगा वो आपको लेना है। ठीक, अगर इसके अलावा जो है NTT का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का भी है तो वो सब आपने किया है तो आप जा सकते हैं। तो ऑल सब्जेक्ट की है, एक एक करके चलो दोनों वैकेंसीज को देखते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन को देख लेते हैं। देखो ये है, आप खुद जाकर के वेबसाइट पर चेक कर सकते हो कि भाई वैकेंसी आई है या नहीं, कौन से स्टेट में हमें अप्लाई करना सही रहेगा, ये खुद से भी आप काम कर सकते हैं। बस हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे ये वैकेंसी आई है, और अपने अकॉर्डिंग जो है आप इसको सर्च खुद भी कर सकते हो। तो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन एक संस्था है, जिस संस्था में जो है बच्चों को पढ़ाने से लेकर के जो टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर होते हैं, उनको भी ट्रेनिंग जो है इनके द्वारा दिलाई जाती है, ताकि उनको नए नए मेथड समझ में आए और गवर्नमेंट स्कूल भी जो है अच्छी तरीके से चल सके। तो इनका जो टाई अप होता है जिम प्रेम जी फाउंडेशन का, गवर्नमेंट स्कूल के साथ होता है, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे नौकरी जस्ट लाइक परमानेंट है, आप लोगों की हटाया नहीं जाता है, बट यही है कि अब आप खुद से छोड़ के जाना चाहो तो ये आपकी मर्जी होगी। चलिए आइए इस बार हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। एलिजिबिलिटी पर पहले बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी इसमें मांगता क्या है, आप लोगों का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए।
क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों को बताती हूं तो आप यहां पे देख लो। सबसे पहले प्री प्राइमरी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 12th और ग्रेजुएशन या एनटीटी, यानी कि प्री प्राइमरी के लिए एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स चाहिए होगा। और अगर आपने प्राइमरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन और डीएड या बीएड, ठीक है, प्राइमरी के लिए ग्रेजुएशन और डीएड और बीएड। हायर सेकेंडरी टीचर्स के लिए अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग का मास्टर डिग्री इन इंग्लिश केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी पॉलिटिकल साइंस ये सब जो भी है जिस सब्जेक्ट से आपका मास्टर है एंड देन बीएड चाहिए होगा। 2 इयर्स अगर आपके पास, मैंने इसीलिए बोला कि यहाँ पे एक्सपीरियंस को थोड़ा इसमें कंसिडर करते हैं, इसीलिए आपने अगर ट्यूशन भी पढ़ाया है तो एज अ एक्सपीरियंस उसको जरूर लगा देना। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको इंग्लिश आना चाहिए, हिंदी भी आना जरूरी है, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल से टाइप होता है इनका, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है तो वहां पे हिंदी की जरूरत भी उतनी ही होगी। तो ये चीजें आप बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाना ही मेन इसका काम भी है। अब आ जाते हैं इसका, इसके अलावा जो है अगर आप लोगों को रिस्पेक्ट दूसरे को देना चाहिए, पोलाइट नेचर में होना चाहिए, जो एक आइडियल टीचर की जो है निशानी होती है वो। अभी आप यहां पर अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो recruitment@ajimpremjifoundation.org से जाकर के आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि कहां कहां पे वैकेंसी है। देखो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के में अगर आप जाना चाहते हैं तो उत्तराखंड में आपको वैकेंसी आई हुई है, छत्तीसगढ़ में वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। स्कूल टीचर आप कर्नाटका का देख ले, राजस्थान का देख ले, तो 1, 2, 3 और 4 ये 4 स्टेट में अभी ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अब आपको जिस स्टेट में अप्लाई करना है उसका ओपन करना है, देन अप्लाई का प्रोसेस मैं बताती हूँ। तो मैं 4 स्टेट का तो बता नहीं पाऊंगी, मैं 1 स्टेट लेती हूँ, मान लो कि हम लोग छत्तीसगढ़ ले लेते हैं, छत्तीसगढ़ को हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से आप लोगों का ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को सारा जॉब डिस्क्रिप्शन, जो आप लोग को क्वालिफिकेशन मैंने ऊपर में बताया वही क्वालिफिकेशन रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देख लो, सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। आप लोगों को जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस बेस्ड ऑन ओपन पोजिशन सिलेक्शन प्रोसेस, आप लोगों का सिलेक्शन जब होगा तो आप लोगों को वहां पे पोस्टिंग दी जाएगी। एज अ टीचर योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद अ डाइवर्स बैकग्राउंड, बच्चों को जो है आपको समझाना है, अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं तो वही सारी चीजें है। एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 साल का मांग रहा है, इसीलिए फ्रेशर को यहाँ पे अप्लाई करने को दिया गया है, लेकिन एक्सपीरियंस का थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर आप लोगों को कंसिडर किया जाता है। और यह है कहाँ पे, देख लो धमतरी छत्तीसगढ़ इंडिया में है। अब अप्लाई आपको यहाँ पे कर देना है, इसी तरह से आप राजस्थान का ओपन करोगे या आप उत्तराखंड का ओपन करोगे, किसी का भी ओपन करोगे तो आपको इसी तरह से डिटेल आएगा एंड देन अप्लाई नाउ उसमें लिखा रहेगा। तो एक ये तरीका है, यहां से आप लोगों को अप्लाई कर देना है। आपको टाइटल यानी किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो अपना नाम डालना है, तो वहां पे आपका लास्ट नेम होगा, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ईमेल आईडी अच्छे से डालना, वही जो यूज में हो, फ्रिक्वेंटली आप उसको यूज करते रहे हो ऐसा वाला डालना, क्योंकि वहीं से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। टेलीफोन नंबर, आपका एड्रेस यहाँ पे डालना है, परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो दोनों डाल सकते हैं। अब यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन आपका है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पे डाल देना है, ग्रेजुएशन का यहाँ पर आप लोग को डिटेल डालना है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अगर आपने काम किया है तो कहाँ पे काम किया है वो आपको डालना है। अब आप बोलोगे मैम ट्यूशन वाला है तो कैसे डालेंगे, तो भी आप लिख सकते हो कि ट्यूशन आपने लिया है या कोचिंग सेंटर में आपने जो है इतने दिन पढ़ाया है, और यहाँ पर आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। और नोटिस पीरियड कितने दिन का सर्व करते हो, तो 1 महीने का ही सर्व जनरली किया जाता है, वो आप डाल दोगे। और टोटल एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे डाल देना है, लैंग्वेज नोन, कौन कौन से लैंग्वेज को बोल सकते हो लिख सकते हो, और वो सारा चीज है। रेफरेंस अगर कोई आपका दे रहा है तो आप डाल सकते हो, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको जरूर डालना है, अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, ठीक है। और अब इसके बाद आपने जो है बीएड किया है, डीएलएड किया है, या बीपीएड किया है, एमएड किया है, जो किया है वहां पर यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद है आर यू विलिंग टू वर्क इन धमतरी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आप काम करना चाहते हो, वहां पे पोस्टिंग आपकी होगी तो आपको कोई इश्यू तो नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको लिख देनी है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप लोग आओगे तो अपलोड योर सीवी लिखा हुआ है ना, आपको अपना एक रेज्यूमे सीवी बनाना है,
उसमें आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगाओगे। एक ही पीडीएफ बनाना जिसमें आप लोग का सीवी रहे और उसके साथ आप लोग का 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, बीएड, डीएलएड जो भी किया है, अगर सीटेट क्रैक किया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, सब कुछ एक ही में पीडीएफ बनाना है और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अपलोडिंग का साइज देखो 2 MB इसीलिए दिया गया है, 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि आप उसमें सारा डॉक्यूमेंट एक जगह पीडीएफ में बना के डाल सको और उसके बाद सर्टिफाइड दैट एंड सबमिट कर देना, दैट्स इट। अब आपको वेट करना है कि आपको कॉल आएगा। आपको जो है जो भी कॉल आपके फोन पे या मेल पे भी आ सकता है, इसलिए मेल को भी चेक करते रहना है। तो ये है अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन में अप्लाई करने का तरीका। मैं फिर से बताऊं, ये जॉब जो है जस्ट लाइक परमानेंट होती है, तो अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई एक वैकेंसी। दूसरी वैकेंसी भी बहुत अच्छी है, ये रेसिडेंशियल स्कूल है, NCR में है, फरीदाबाद में है। यहाँ पर आपको रहने खाने सभी चीजों की फैसिलिटी दी जाती है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनका भी एजुकेशन यहाँ पे फ्री दिया जाता है, तो ये सारी चीजें तो यहाँ मिलती है। तो इसको आप लोग देख लो, इसमें भी आप लोगों का जो जॉब का निकला हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे PGT TGT, ये सारा पोस्ट इसमें भी है, PGT TGT PRT ये सारा पोस्ट इसमें भी निकला हुआ है, ठीक है। इसको अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। इसमें भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो जरूर डाल दोगे, नहीं है तो फिर बात ही नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले तो आप इसमें आओगे, SDV इसका जो साइट का नाम है, SDV फरीदाबाद सतयुग दर्शन विद्यालय करके इसका नाम है, फरीदाबाद डालोगे और रिक्रूटमेंट, टीचर रिक्रूटमेंट डाल देना तो करियर वाला जो है ऑटोमेटिक अपने आप ओपन हो जाएगा ये। और इसके बाद हम इसमें आएंगे सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस में जब आप आते हो तो यहाँ पर आप देखो इतना ये प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, तो आपका एप्लीकेशन, आपका सीवी जो है जाएगा, जिसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी जिसमें कि आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर्टिकुलर इंटरव्यू होता है। इसमें सैलरी बहुत अच्छी खासी रहती है, तो इसीलिए इसमें ये भी जस्ट लाइक आपको मैं बता रही हूँ परमानेंट ही है, रेसिडेंशियल स्कूल है, सब कुछ रहना खाना सब कुछ वहां पे दिया जाता है, डॉक्टर से लेकर सारी फैसिलिटीज रहती है। तो जाहिर सी बात है अगर जॉब आपको देंगे तो आप में भी वो क्वालिटी ढूंढेंगे, तो वो क्वालिटी आप में होनी चाहिए। फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका असेसमेंट होगा और उसके बाद से आप लोगों का जस्ट लाइक ये जो प्रोसेस है ना, ये दो प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसमें अगर निकल गए तो हो गया, फिर आपका जॉब ऑफर होगा एंड कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ बनाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 1 साल 2 साल जितने साल का रहेगा आप जिसमें एग्री करोगे वो आपका रहेगा। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए इसका जो है आपको कॉन्टेक्ट यहां पर आ जाओ, ईमेल आईडी आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये देख लो, ठीक है, contact@sdvonline.in। इस पर आप लोगों को अपना सीवी यानी कि आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका पीडीएफ पूरा आपका जिसमें कि पूरी तरीके से सीवी बना हुआ होना चाहिए, जिसमें आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन सब कुछ होना चाहिए और 10th 12th ग्रेजुएशन BA DLED CTET अगर किया है तो और एक्सपीरियंस है तो वो सारी चीजें आपको उसमें लगानी है एंड एक पीडीएफ बनाना है और इसमें सेंड करना है। एक और चीज करोगे तो इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा कि एप्लीकेशन अपने हाथ से हैंड रिटन लिख सकते हो, राइटिंग अच्छी है तो उससे आपका प्लस पॉइंट होता है। और एक एप्लीकेशन लिख सकते हो कि अपने बारे में और क्यों आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो, क्या आप क्यों आप टीचर बने हो, ये सारी चीजों करके आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सेंड कर देना है बस, फिर उसके बाद से आपको वेट करना है कि आपका आपको कॉल आए और आप लोग इसको इसमें जाके ज्वाइन कर सको। तो ये दो वैकेंसीज आप लोगों के लिए अच्छी खासी आई हुई है, आई होप इसमें आप अप्लाई करोगे और अगर आप लोगों का जॉब हो जाए तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आप किसी और तरह की वैकेंसीज चाहते हो तो वो भी हमें कमेंट करके बताना ताकि हम उस पर भी वीडियो लेकर के आ सके। टिल देन टेक केयर एवरीवन।